हेलो एवरीवन, जल्दी से कॉपी पेंसिल ले लिए और रेडी हो जाइए मेरे साथ ड्राइंग बनाने के लिए। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ फ्रूट बास्केट। फ्रूट बास्केट के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बास्केट ड्रॉ करना है। जैसे कि आप देख रहे हैं, मैं ड्रॉ कर रही हूँ और मुझे जो है बहुत ईजी लगता है मार्कर से बनाना, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस ज़्यादा है तो इसलिए मैं डायरेक्ट बोर्ड पर और मार्कर से बनाती हूँ। थोड़ा बहुत ही मुझे रब करने पड़ते हैं, लेकिन अगर आप न्यू हैं, पहली पहली बार या फिर बनाते हैं ड्राइंग, तो अगर आपके पास मार्कर पेन और ब्रश वाइट बोर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप पेंसिल और पेपर का यूज़ करिए। ठीक है गाइस, तो देखिए मेरी जो बास्केट है वो बनकर रेडी है। बस मुझे उसका नीचे का शेप देना है और उसमें मैं थोड़ा सा डिज़ाइन बनाए दे रही हूँ ताकि वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर सा लगे। अब मैं बनाने जा रही हूँ फ्रूट्स, और फ्रूट्स में मुझे जो सबसे पहले बेटर लगा कि जो सबका ही फेवरेट होता है, एंड एप्पल अ डे कीप द डॉक्टर अवे, सो इट इज़ एप्पल। एप्पल सभी को अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है। आप सभी मुझे कमेंट्स में बताएंगे कि किसको किसको एप्पल फूड बहुत ज़्यादा ही पसंद है और इट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ। अब मैं बनाने जा रही हूँ मैंगो। मैंगो के बाद अब देखते हैं मैं क्या बनाऊँगी। ये मैंने बनाया है ग्रेप्स, और सभी बताएंगे इसमें से जिसका जो भी फेवरेट फ्रूट होगा वो मुझे कमेंट में लिख के बताएंगे। तो देखिए ग्रेप्स बनाना कितना ही इजी है, सिर्फ मुझे राउंड राउंड करके सर्कल बनाते गए हैं, थोड़ा सा ओवल शेप पे बनाए हैं मैंने ताकि थोड़ा सा रियलिस्टिक लगे ग्रेप्स का शेप। अब मैं बनाने जा रही हूँ पाइनएप्पल। बनाना बहुत ज़्यादा ही ईजी है, सिर्फ आपको एक ओवल शेप का राउंड करके ड्रॉ करना है। उसके बाद आप जो है पाइनएप्पल में देखते हैं क्रॉस बना होता है, क्रॉस शेप पे ही मैं लाइंस ड्रॉ कर दूँगी। जैसे कि आप सभी देख रहे हैं मैंने लाइंस ड्रॉ कर दी। अब मैं इसको इन्हीं लाइन को आपकी क्रॉस पे करूँगी एंड इट इज़ रेडी। यस, अब अगर आपको थोड़ा बहुत भी गलत हो जाता है तो सबसे अच्छा रहता है मार्कर से बहुत इजीली रब हो जाता है, सिर्फ आपको फिंगर टिप की मदद से इसको जल्दी से रब कर लेना है और टाइम भी कम लगता है और आपका पेपर भी वेस्ट नहीं होता है, सबसे अच्छी बात ये होती है। अब हम इसकी ग्रास बना लें, इसकी ग्रास शेप जैसे आप लोगों ने अपनी अर्ली क्लासेस में आपको मैम टीचर सिखाती होंगी वी शेप की ग्रासेस, उसी तरीके से मैं यहाँ पर पाइनएप्पल की जो लीव्स हैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ एंड इट इज़ रेडी। यस, अब आप देख सकते हैं ये बास्केट कितनी ही नीट और क्लियर बनी है। और लास्ट में मैं पाइनएप्पल पे जो कट बने होते हैं वो भी मैं उसको दे दूँगी ताकि ये रियलिस्टिक लगे एंड इट इज़ रेडी। और गाइस, अगर आपको मेरी फ्रूट बास्केट अच्छी लगी हो और मेरे ड्राइंग करने का तरीका, मेथड ऑफ टेक्निक अच्छी लगती है बनाने की, तो प्लीज़ गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए, शेयर किए और बहुत सारे कमेंट करिए। और जैसे कि आप लोग ने मैं जानती हूँ आपने मेरे शॉर्ट से मुझे बहुत ज़्यादा, मुझे 1000 प्लस सब्सक्राइबर मेरे हो चुके हैं मेरे शॉर्ट से, लेकिन मैं आगे भी चाहूँगी कि और ज़्यादा मुझे सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए एंड प्लीज़ गाइड्स कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।